हाँ जी, आपका स्वागत है खुशी कोशी ब्लॉग में। तो जी, मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये शाम के बज गए हैं 7, तो मैं कल सुबह के लिए बच्चों की ड्रेस प्रेस कर रही थी। तो ऐसे ही खुशी बैठी बैठी अपना अपना इसने शूट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला भी नहीं था, तो मैंने भी चल ठीक है कर दिया, मैं डाल देती हूँ फ़ोन में अपना ब्लॉग में डाल देती हूँ। तो ये वासु और खुशी की ड्रेस है दोनों की। इसकी पापा की तो मैंने पहले ही मतलब कि एडवांस दो दो तीन तीन जोड़ी करके रखनी पड़ती है। तो ये बच्चों की हैं, तो मैं कर रही थी प्रेस। और फिर वही, इसके बाद मेरे को बनाना है खाना, तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया है इसलिए। और अचानक से वासु की तबीयत दिन में ख़राब हो गई थी, तो उसको दवाई दिला के लाए। तो उसका अभी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मौसम बदली हो रहा है, वैसे ही वासु के ऊपर असर आता है ज़रूर। तो इसलिए भाई इसको मैं दवाई दिला के लाई, और फिर मैं आने के बाद अपना लगती थी प्रेस करने। नहीं तो अगर दवाई नहीं दिलाती तो रात को बहुत परेशान करता, इसलिए मेरे को ज़्यादा लेट हो गया। और ये तो जी मेरी आज सी क्लिक थी, तो ये थोड़ी बहुत ही क्लिप निकाल थी खुशी ने मेरी। और अब मैं बनाऊंगी खाना, तो इनकी प्रेस ऐसे ही वही करके मैं टांग देती हूँ, क्योंकि सुबह इनको पहननी ही है। तो जी, ये तो मेरी शाम की क्लिप थी। जो आगे वाले क्लिप है वो भी मैं शाम की ही ऐड करूँगी, क्योंकि दिन वाले मैंने जो व्लॉग बनाया था वो मैंने कल दिन में ही डाल दिया था, जो हम खाटू श्याम जी गए थे। तो जी, आज क्या बोलते हैं, मैंने मटके उतरवा दिए खुशी से, क्योंकि वही बुधवार वाले दिन ही मैंने कहा था कि बैसाख के महीने में बुधवार वाले दिन ही वही मटके पानी के भर के रखते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आज खुशी ऊपर से बिल्कुल कोरे मटके हैं, तो ये उतार के मेरे को दे रही है। एक एक को तो मैं पानी का भर के रख दूँगी, एक में मेरे को डालना है गुड़, और जो दूसरा वाला खुशी ने उतारा ये एक्स्ट्रा में उतार दिया, तो इसको वापस से फिर मैं वहीं पर रखवा दूँगी। तो इसमें डालूंगी गुड़। बोलते हैं कि मटके में गुड़ डाल देते हैं ना, वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है, तो इसलिए मटके में गुड़ डाल दूंगी। और मटके को अभी पानी भर के रख दूंगी, पूरी रात पानी का भरा रहेगा, क्योंकि इसकी जो महक होती है वो निकल जाएगी, और फिर भाई अपना पीते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर महक होती है तो बच्चे पीते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसको अब अपना मटके को धो के जिसके इसके अंदर हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही पानी डाल के हिला दूंगी और इसको पानी का भर के रख दूंगी। पूरी रात भरा रहेगा आज आज ये, तो कल इसको मैं अपना पीने वाला पानी पूरा भर के रख दूँगी। तो जी, ये मैंने दाल भिगो रखी थी इसके पापा के लिए, तो अब इसको दाल को उबाल देती हूँ। और फ़ोन मेरा रखा बिल्कुल दूर, क्योंकि स्टैंड ने धोखा दे रखा है, कभी लग जाता कभी नहीं। तो अभी देखती हूँ वही खरीदती हूँ या नहीं। तो अब मैंने कुकर में डाल दिया पानी, दाल और नमक हल्दी डाल के इसको मैं उबाल दूंगी। तो जी, अब मैं बनाऊंगी करेले, क्योंकि भाई करेले खाना मुझे इतना पसंद है, और मम्मी के लिए भी भाई बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए आज मैं अपने हिसाब से जो करेले जैसे मैं बनाती हूँ आज वैसे आपको ज़रूर बताऊँगी, और प्लीज़ बताना आप भी ऐसे ही बनाते हैं। तो जी, सबसे पहले मैंने अपनी ले ली है कढ़ाई, उसको धो लिया। ये मैं सरकारी कढ़ाई बोलती हूँ इसको, जैसे भाई पूरी बनाना है कुछ भी करना है तो मैं इस काली वाली कढ़ाई के अंदर ही मैं करती हूँ अपना काम। तो जी, अब मैं हल्दी और नमक मैंने डाल दिया है, और एक सीटी आने तक मैं इसको उबाल दूँगी। तो जी, अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, और एक सीटी आने तक मैं इसको उबाल दूँगी। तो जी चलिए, अब मैं अपना करेले का काम स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई मेरी सूख जाएगी, मैंने गैस पर रख दिया है, और इसके अंदर मैं तेल डाल देती हूँ थोड़ा सा, भाई जितना करेले में यूज़ होगा, और बाकी एक्स्ट्रा वाला जो भाई करेले मैं फ्राई करूँगी वो बच जाएगा, तो उसको मैं निकाल दूँगी। तो जी, अब मैंने करेले निचोड़ दिए बिल्कुल टाइट टाइट, पहले इनको धो लिया था मैंने, इनको मैंने दिन में नमक नींबू और लस्सी डाल के रखा था, भगवान के कपड़े भी रखने पड़ेंगे, लस्सी में डूबे रही तो अभी खत्म। और अब इनको मैंने पानी से बिल्कुल धो लिया है, और अच्छे से इनको टाइट टाइट मैंने निचोड़ दिया है बिल्कुल। और मैंने बीज निकाल के फेंक देती हूँ, जो इसके ऊपर जो इसके यहाँ वही पक्का बीज जो है कच्चा, मैं सारे निकाल देती हूँ। तो जी देखिए, मैंने बिल्कुल टाइट निचोड़ के करेले रख लिए हैं, कच्ची आम भी ले ली है, लहसुन ले लिया है, प्याज ले लिया है, तो ये सब मैं अब डालने वाली हूँ। तो जी आइए, अब बनाते हैं कैसे बनाते हैं। तो जी, मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था, वो मेरा तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं करेले काट लेती हूँ बिल्कुल बारीक बारीक, जैसी ऐसे इनके टुकड़े बना लूँगी बारीक बारीक, ताकि खाने में आसानी हो जाती है। ऐसे बड़े वाले होते तो वो भाई कोई पूरा ले या ना ले तो इस हिसाब से वो ख़राब जाता है। तो ऐसे कटिंग करने से भाई जितना करेला खाना होगा उतना ही इंसान ले लेगा।
तो जैसे मैंने करेले अपने काट लिए हैं तो मेरे करेले हो गए हैं भाई कट के रेडी। तो अब मैं सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद करेले हैं वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। और ये मैंने कच्ची आम भी ले ली है। मैं भाई जब तक कच्ची आम भी मेरे को मिलती है मैं कभी भी अमचूर का प्रयोग नहीं करती। जब तक मेरे को कच्ची आम भी मिलेगी तो मैं कच्ची आम भी ही डालती हूँ, पेठा हो या करेले हो या कुछ भी ऐसी जिसमें खटाई डालती है तो आम भी यूज करती हूँ मैं गर्मी गर्मी। तो जी ये मैंने कम से कम पाव भर से ज़्यादा मैंने हरी मिर्ची लाल मिर्ची जैसी भी हो रखी थी मेरे पास रखी हुई थी जो यूज़ भी नहीं हुई थी ना, तो उनको मैंने धो के और इनके नाकू तोड़ दिए, नहीं इनको बीच से फाड़ दिया मैंने ताकि वे फटे ना मिर्ची जैसे भाई मैं डालती हूँ जब डालूँगी तब। तो इनको मैं धो लेती हूँ, धो के पूछ लिया मैंने इसको अब। तो जी चलिए अब करेले बनाते हैं, क्योंकि ऐसे मिर्ची छोंकने से ये बिल्कुल अचारी मिर्ची बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी डाल दी हैं करेले, तो इनको मैं सेलो फ्राई कर लेती हूँ जैसे भाई थोड़ा सा फ्राई करके इनको निकाल लूँगी। फिर बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता करेले भाई करेले बनने में, इनको पहले ही फ्राई कर लेती ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ये मैंने प्याज काट ली दो और ये मैंने कच्ची आम भी लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट सॉरी कच्ची आम भी कूटूंगी नहीं मैं लहसुन और अदरक को कूट के बना पेस्ट बना लूँगी। तो जी देखिए ये मैंने हरी मिर्ची ली है आपको दिखाती हूँ, हरी लाल मिक्स है सब और ये सूखी सूखी मिर्ची है ये बिल्कुल ताज़ा वाली नहीं है, तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है खाने में फ्राई होने के बाद। तो जी देखिए ये मेरे करेला बिल्कुल वही फ्राई हो चुका है और एक्स्ट्रा तेल जो कढ़ाई में ज़्यादा है इसको मैं निकाल दूँगी, नहीं तो ज़्यादा तेल हो जाएगा सब्ज़ी के अंदर। तो जी अब मेरे करेले में ये इनके फ्राई हो चुके हैं और अब मैं थोड़ा सा तेल निकाल के फिर इसके अंदर मैं डालूँगी फ़ौरन, फ़ौरन में डालूँगी मैं कलौंजी अजवाइन जीरा सौंफ यानी कि सब तरह का वो डाल के इसके अंदर फ़ौरन। और फिर मैंने प्याज अपने फ्राई करने शुरू कर दिए हैं और इनको बिल्कुल सुनहरा होने तक मैं फ्राई करूँगी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक जो मैंने ज़रा सा कूट लिया था, और अब इनको मैं बिल्कुल भून लेती हूँ अच्छे से। और अब भूनने के बाद मैंने डाल दी इसके अंदर हरी मिर्ची, वही वो भी प्याज के अंदर अच्छी सी करारी करारी हो जाएंगी, इसलिए इसी लेवल पे इनको डालना होता है, नहीं तो प्याज ज़्यादा भून जाएंगे तो फिर मिर्ची कच्ची रह जाएंगी। मैं इसी लेवल पे हरी मिर्ची को डालती हूँ, तो इनको खूब अच्छे से मैं भून लेती हूँ। और आपको मेरे मुँह पर निशान दिख रहा होगा, मैं गिर गई थी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी मुँह मेरा ऐसे ही फिसल गई थी ज़्यादा चोट लग गई थी इसलिए मेरे मुँह पर ऐसे निशान हो रखा है ये, क्योंकि फर्श ऐसा पानी गिर जाए दिखता नहीं तो उसके पैर रखा था ऐसे फिसल गई बहुत ज़्यादा। तो जी मैंने कच्ची आमे को बिल्कुल काट लिया अपना बारीक बारीक जो उसको मैं कूटूंगी नहीं ऐसे ही डालूंगी बगैर छीले। तो जी देखिए अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ मेरी मिर्ची कैसी बन गई, मेरे प्याज कैसे हो गए, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अगर प्याज को बिल्कुल काला कर देंगे ना तो वो बिल्कुल जल जाएंगे, उनमें कोई स्वाद नहीं रहे, क्योंकि भाई जब ये डालेंगे करेला तो थोड़े से मसाला पकेगा तो बिल्कुल प्याज जल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कच्चा ही प्याज रखना होता है। प्याज और हरी मिर्ची साथ साथ भुनती रहेंगी तो दोनों एक जैसी भुन जाएंगी, बहुत ही स्वाद लगती है खाने में। तो जी चलिए अब मैं इसी पे डालती हूँ अपना कच्ची आम भी, जो कि इसी टाइम भी अच्छे से भुन जाएगी और बिल्कुल बहुत स्वाद लगेगी। तो जी इनको मैंने खूब भून लिया प्याज को और मिर्ची को, अब मैंने डाल दिया कच्ची आम भी, तो इसको भी मैं इसके अंदर भाई खूब अच्छे से पका देती हूँ ताकि कच्ची आम भी अच्छे से गल जाए और इसका अपना जो खट्टापन है वो छोड़ दे। तो जिस टाइम मैंने डाल दिया अपना नमक हल्दी और पिसा हुआ धनिया डालूंगी इसलिए इस टाइम में, ताकि सारे मसाले खूब अच्छे से साथ पक जाएं और कच्चापन कुछ ना रहे। भाई फ़ोन इसलिए ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि स्टैंड नहीं है, मैंने हाथ में ही फ़ोन ले रखा है इसलिए। तो जी देखिए हल्दी नमक और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया तो बहुत अच्छे पक जाएंगे इस टाइम पर। और भाई जैसे करेले मैंने पहले ही फ्राई कर रखे हैं तो वो इसके अंदर डाल दूँगी और मेरी करेले की सब्ज़ी बन जाएगी। तो प्लीज़ बताना आप कैसे बनाते हैं करेला, मैंने तो भाई ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अचारी करेला बोलते हैं इसको, बहुत स्वाद लगता है क्योंकि इसके अंदर मैंने कलौंजी का फ़ौरन डाल रखा ना, कलौंजी मेथी सौंफ राई जीरा सब डाल के मैंने फ़ौरन डाल, तब मैंने प्याज डाले थे। तो जी अचारी करेला बोलते हैं इसको, तो प्लीज़ बताना कैसा बना है और आप सब कैसे बनाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना, और चैनल पे आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करो और व्लॉग को पूरा देखा करो। जब तक मेरे राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।